तो हजारों कैमरे 40 साल में इकट्ठे हुए। इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है फोटोग्राफी का। एक्चुअली क्या है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सर कि इतने बड़े कैमरे होते होंगे, इनको कैसे तो कैरी करते होंगे सर, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। दूसरी बात ये पूछी सर, इससे सेल्फी कैसे लेते हैं? Hey guys, welcome back to my new vlog। और इस vlog में मैं आपको लेके जा रहा हूँ म्यूजियो कैमरा गुड़गांव के अंदर। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी, कुछ नया मिलेगा आपको। मजा आए तो जरूर बताना, कमेंट करना, ठीक है? तो मिलते हैं आगे। तो गाइज हम चल रहे हैं म्यूजियो कैमरा, जिसका देखो बोर्ड लगा हुआ है सामने, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, तो हम इस तरफ मुड़ेंगे अभी, एकदम सामने है म्यूजियो कैमरा। म्यूजियो कैमरा के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही कुछ आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे बेंचेस है बैठने के लिए, ये ऑटो है ठीक है सेल्फी वगैरह के लिए, एंड स्कूटर रखा हुआ है। और गाइस सामने विंटेज एम्बेसडर कार खड़ी हुई है, जी हाँ, जो कि देखने में अच्छी लग रही है। तो गाइस सामने से म्यूजियो कैमरा कुछ इस तरह से दिखता है, देख लीजिए आप। तो चलिए एंट्री करते हैं इसके अंदर। एंट्री करते ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। हाँ, ये अंदर का व्यू है, एक बार मैं दिखाता हूँ पूरा। ये आप सामने जो रखा देख रहे हो ना, ये भी कैमरा है। ये पता नहीं कब का है, कब का है भैया? ये कितने 100 साल से ऊपर पुराना है। अरे वाह, ओके। इस दीवार पर देखते हैं, बहुत ही अच्छी जगह गाइस ये। पहले आपको एंट्री करनी होगी इसमें। एंट्री करने के बाद में अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको अंदर। तो गाइस ये है रिसेप्शन, यहाँ पे टिकट मिलेगी। तो म्यूजियम एंट्री करने से पहले हमने टिकट ले ली है, जो कि 200 रुपीज़ की है सिर्फ। तो हम एंट्री पे कुछ ऐसा म्यूजियम लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, है ना। ये सामने उन साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं जिन्होंने कैमरा इन्वेंट किया था। कैमरे का इन्वेंशन कब हुआ था, कुछ इस प्रकार है, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको ये, ना। 10-10 साल के अंतराल पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए, है ना। तो ये 2010 में। तो गाइज ये है म्यूजियो कैमरा, अंदर से आप देखो कितने कैमरे रखे हुए हैं यार, बहुत सारे कैमरे हैं। आपको हर तरह के कैमरे देखने को मिलेंगे और हर एक कंपनी के कैमरे मिलेंगे आपको। आप एक बार अंदर नज़र मारो किस तरह से कैमरे रखे हुए हैं और कितने बड़े साइज़ के और कितने छोटे साइज़ के, आपको सारे कैमरे यहां पर देखने को मिलेंगे। गाइस ये बहुत प्यारी जगह है। अगर आप चाहते हैं कि हम कैमरे की हिस्ट्री के बारे में सीखें, कैमरे के बारे में सीखें, और विंटेज चीज़ों का आपको शौक़ है, तो एक बार विज़िट तो आपका बनता है। और एक बार विज़िट करके आप देखिए कि कैमरा कितने बड़े इन्वेंट हुए थे, मतलब कितने बड़े साइज़ के इन्वेंट हुए थे, और अभी कैमरे का क्या साइज़ रह गया है। तो एक बार आइए, और जितनी भी कंपनीज़ आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, सारी कंपनी के कैमरे यहाँ रखे हुए हैं। गाइज़ ये कैमरा देखिए यार, मतलब आप डिज़ाइन देखिए इसका, और ये देखो गाइज़ ये वाला कैमरा देखिए यार, मतलब इतने बड़े कैमरे को कैरी कैसे करते होंगे, है ना। एक बार देखो इसकी लुक देखो। तो गाइज ये हैं कोडेक के कैमरे, कोडेक कंपनी का नाम सबने सुना होगा। ये कैमरेज रखे हुए हैं कोडेक कंपनी के, आप देखो यार, देखो स्टार्टिंग में किस तरह के कैमरे आते थे, ये सारे कैमरे कोडेक के हैं। गाइज अगर आप कोडेक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो यहीं पर स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैमरे, ये रील्स रखी हुई है, किसने नहीं देखी होगी कोडेक की वो रील जो कैमरे में आती थी। गाइज ये कैमरे देखिए, हर एक कंपनी के कैमरेज हैं और अलग अलग डिज़ाइन है सबका। आप देख सकते हैं इतने सारे कैमरेज रखे हुए हैं ना, आप देखते 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 मतलब आप थक जाओगे, पर कैमरे ख़त्म नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, कैमरे बहुत सारे कैमरे रखे हुए हैं यार, अलग अलग डिज़ाइन के कैमरे हैं, सब तरह के कैमरे हैं, तो आपको एक बार तो विज़िट करना बनता है। देखिए गाइज ये हैं ट्विन लेंस के कैमरे, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में वीडियो स्टॉप करके, और किस तरह के दिखते थे वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। गाइज ये है प्रोजेक्टर, जो आप देखते हो ना कि मूवी हॉल में जो मूवीज चलती हैं
वो प्रोजेक्टर दिखाए गए हैं यहाँ पे, किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है मूवीज़ को, तो वो भी अलग अलग डिज़ाइन के रखे हुए हैं यहाँ पे, आप एक बार चेक कर सकते हैं पूरे, देखो। और ये कैमरे की फ्लैश आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज, इन लटके हुए कैमरे का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं यार ये गाइज। ये बाहर कुछ विंटेज फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, ये बीच गैलरी के अंदर है। और भाई ये क्या है, ये है क्या यार, इतना बड़ा कैमरा, ओ माय गॉड यार, इतना बड़ा कैमरा कैसे कैरी करते होंगे ये। और गाइज यहाँ पे ना पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि हम एक फ़िल्म से फ़ोटो किस तरह से निकाल सकते हैं, किस किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं पूरा ना। और गाइज ये सामने क्या है यार, एक बार चेक करते हैं। अच्छा लेंस है, लेंस को एक बार देखते हैं इसके अंदर है क्या। ओके ठीक है, तो गाइज ये है कैनन कंपनी का कैमरा, आप देखिए सारे कैमरा चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है सिनार कंपनी के कैमराज, एक बार चेक कर सकते हैं आपके सामने हैं। तो गाइज़ यहाँ पे चेक करिए यार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैमरा, मतलब डिज़ाइन देखो इनका एक बार, कमाल है। तो गाइज़ ये है निकॉन। तो गाइज़ यहाँ बड़े कैमरे के साथ साथ छोटे कैमरे भी हैं, जी हाँ दोस्तों, ये है स्पाई कैमराज, आप चेक कर सकते हैं इनका, इसका साइज़ देखो यार एक बार, बहुत ये सामने वाला कितना छोटा है ना, लेकिन ये सारे स्पाई कैमराज हैं, एक बार ध्यान रखना, ये सारे स्पाई कैमरा हैं, आप चेक करो उस टाइम में भी स्पाई कैमरा किस तरह से आते थे, ये लाइटर स्पाई कैमरा है देखो। और गाइज ये आपके सामने है फाइटर प्लेन के कैमरा, जी हाँ दोस्तों, ये जो K20 में यूज़ हुए थे वो कैमरा है आपके सामने, ये फाइटर प्लेन में यूज़ होते थे पहले, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें, ये वाले कैमरा हैं जो फाइटर प्लेन में यूज़ हुए थे। तो ये है ग्राउंड फ्लोर का एग्ज़िट, हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। ओके तो गाइज ये है शॉपिंग एरिया, यहाँ से आप कुछ भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं सामने, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज़ अभी हम चल रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, आपको ये देखो स्टेयर्स एरिए आपको साइड में इस तरह से देखने को मिलेगा, तो अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। तो गाइज़ हम ऊपर आ चुके हैं, यहाँ दीवार पर बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, और ये फ़ोटोग्राफ वर्ल्ड फेमस रॉबर्ट कापा के हैं, जी हाँ दोस्तों, जो कि वॉर के टाइम में, जो कि बहुत ही फेमस फ़ोटोग्राफ़र थे रॉबर्ट कापा, उनकी ही फेमस फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे लगी हुई है दीवार पे, आप एक एक फ़ोटो देख सकते हैं, अगर मैं पूरी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो गाइज़ मैं पूरा आपको आइडिया दे देता हूँ, इस पूरे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रॉबर्ट कापा की बहुत सारी फेमस फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, जी हाँ गाइज़ एक बार चेक करो आप, देखो। और ये हैं रॉबर्ट कापा, इनके बारे में लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं गाइज, ये रॉबर्ट कापा हैं जो कि वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर थे, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, 1937 की फ़ोटोग्राफ है। तो गाइज़ हम आगे हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर, यहाँ देखते हैं क्या है, और ऊपर से आप देखोगे नज़ारा इस तरह का दिखता है वहाँ पे म्यूजियम कैमरा का। तो गाइज़ ये है कुलवंत रॉय, ये भी वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर थे हिंदुस्तान के, जिन्होंने महात्मा गांधी की बहुत सारी पिक्चर्स ली हुई हैं, आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर, जी गाइज़ बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, देखिए गाइज़ ये बद्रीनाथ की बहुत पुरानी कलर्ड फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं इसको। साथ है आदित्य आर्य सर, जो कि फाउंडर है, डायरेक्टर है म्यूजियम कैमरा के। थैंक यू वेरी मच, तो मेरे साथ है सर। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ विजिट करके, बहुत ही पसंद आया मुझे। एक्चुअली क्या है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था सर कि इतने बड़े कैमरे होते होंगे, इनको कैसे तो कैरी करते होंगे सर, तो ये बड़ी बात है सर। दूसरी बात ये पूछी सर, इससे सेल्फी कैसे लेते हैं ये बात भी सही है। तो सर अब ओवर टू यू सर, आप एक बार बताएंगे सर, स्टार्ट कब से किया आपने, क्या दिमाग में आइडिया आ गया यहाँ? ये सब हजारों कैमरे 40 साल में इकट्ठे हुए और फिर ये म्यूजियम बनाया है, जो कि हरियाणा सरकार और हमने मिलकर बनाया है, और ये इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है फोटोग्राफी का। और एज़ यू सीन, यहाँ पे बड़े लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस आते हैं, बिकॉज यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी दर्शाई जाती है। ये बात सही है। तो मैं अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूँ सर, कि फोटोग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी कैमरा ऑब्स्क्यूरा। आपको आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज, जो वर्ड कैमरा है
और कमरा हमारा कमरा रूम तो सेम होता है। अच्छा हाँ। तो जब 1839 में लुई डिग्योर ने पिक्चर ली, उससे पहले नेसिफोर नीप्स, ये दो फ्रेंचमैन थे जिन्होंने और तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दर्शाई। बहुत बढ़िया सर। आपने कब स्टार्ट किया था, ये कितना टाइम हो गया? ये लॉकडाउन के 6 महीने पहले। अच्छा, लॉकडाउन के 6 महीने पहले। नहीं, बहुत बढ़िया सर। मतलब आप, मैं सरप्राइज हूँ कि आपने ये कलेक्शन करी कैसे होगी सर। जब से कोई चीज आप ढूंढने लगो ना कुछ टीम टाइप के बाद, वो अपने आप ही आ जाती है। ये बात सही है। वैसे आप ब्लॉग कहाँ से करते हैं सर? दिल्ली। दिल्ली से ब्लॉग। बहुत ही बढ़िया लगा सर। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज़, ये था म्यूज़ियो कैमरे का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्त, लाइक करना वीडियो को एंड शेयर करना दोस्तों के साथ में। ये थोड़ा सा हटके है वीडियो, मतलब एक अदर कंसेप्ट है कि कैमरे की शुरुआत कहाँ से हुई थी। नहीं, ये एक म्यूज़ियम है पूरा कैमरे का, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाता है। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आया मुझे ये वीडियो बनाने में। क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ में शेयर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। You don't ever wanna give me wings.